अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज मैं आपको स्पाइसी पास्ता की रेसिपी देने लगी हूँ, और ये बड़े मज़े की और बड़े जल्दी बन जाते हैं। और आपको भी अंदाज़ा, जब मैं बनाऊँगी तो आप कहेंगे कि बड़े इजी हैं और बड़े टेस्टी हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पास्ता लिया, ये देखिए ऐसे लंबे वाला, और इसको मैंने नमक डाल के, ऑयल थोड़ा सा डाल के, और पानी में बॉयल किया है, ये देखिए। और इसके साथ ही चलें, साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताती जाती हूँ जो इसमें जाएंगी। चलें जी, मैंने ये चूल्हा ऑन कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये देखें। इसमें डालूँगी क्रश, इसमें मैं डालूँगी क्रश किया हुआ लहसुन, ये देखें। इसको थोड़ा सा पकाना है बस। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हमने बस पकाना है, इसका कलर नहीं चेंज करना लहसुन का, बस थोड़ा सा कुक करना है, ये देखें। चलें जी, इसके साथ ही मैं इसमें डालती हूँ प्याज, ये देखें। एक छोटी प्याज मैंने ली है, इसको ब्रीक चॉप कर लिया। इसको थोड़ा सा भूनते हैं, प्याज का भी कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा पिंक करना है इसको। एक से दो मिनट के लिए इसको पकाते हैं। चलें जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो ना पैन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने कढ़ाई में सारा कुछ डाल दिया, क्योंकि मैक्रोनी है तो ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए मैंने एक पैकेट पूरा लिया है। तो मैंने कहा उस ये खुले बर्तन में वो ज़रा तंग लग रहा था मुझे, तो चलें जी मैंने चेंज कर दिया। इसके साथ मैं टमाटर प्यूरी, ये देखिए मैंने एक टमाटर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया। हाँ जी, ये देखें, अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी मैंने, आप चाहें तो बाज़ार की प्यूरी भी ले सकते हैं, तो ये मैं मिक्स किया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून डाला है मैंने, और इसके बाद लाल मिर्च जाएंगी, ये रेड मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ये मैंने डाल दी हैं, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ये भी डाल दी है मैंने, और ये चीनी है 1/2 टीस्पून, और इसके बाद जाएगा इसमें 1/4, हाँ जी, काली मिर्ची हैं 1/2 टीस्पून, वो मैंने डाल दी थी साथ ही। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, तो जब अच्छी तरह से मसाला भून लूँगी तो फिर मैं इसमें मैक्रोनी डालूँगी। हाँ जी, पहले इसमें क्रीम जाएगी, मैं वाइट सॉस बनानी है इसकी, तो इसलिए ये मैं क्रीम डालने लगी हूँ। तकरीबन आधा कप टेट्रा पैक की क्रीम गई है, ये मैं डालूँगी, फिर मिक्स करूँगी इसको। तो थोड़ा सा मिक्स करके अच्छी तरह से ज़रा कुक हो जाए, ये देखें। हाँ जी, ये बड़े मज़े के मैक्रोनी बनते हैं और बड़े टेस्टी हैं, आप ज़रूर बनाना। और ये पानी डाला तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून, इसे थोड़ी सी ग्रेवी हो बन जाएगी इसकी, ये देखें जी। अब ये मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाला है इसमें, मक्खन, आप कोई भी बटर ले सकते हैं। और अब मैं मिक्स किया है इसको। अब ये देखें जी, इसके बाद ये मैंने ये लिया है चेडर चीज़, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ लिया है, इसको मैं ग्रेट करने लगी हूँ, ये देखिए। ये तकरीबन मैं डालूँगी आधा कप। चलें जी, आप वैसे भी डाल सकते हैं पीस करके, मैंने ग्रेट की है। अब इसको कुक करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर मैं पास्ता डालूंगी इसमें, ये देखें। कि जो चीज़ डाली है वो इसमें मेल्ट हो जाए, ये देखें। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख सकते हैं, नमक बिल्कुल ठीक है। देखें, ये मैं डालने लगी हूँ पास्ता, ये देखें। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स आराम से करूँगी, ताकि ऊपर नीचे सारा मिक्स हो जाए, ये देखें। और ये बड़े मज़े के लगेंगे, आप
मेहमान आए, एक डिश ये रख सकते हैं, या घर में कोई फंक्शन हो बना सकते हैं, बच्चों को बना के दें। बच्चों मकरोनी और ये पास्ता वगैरह बड़े शौक से खाते हैं। तो चलें जी, ये देखिए अब मैं इसको मिक्स करूंगी। चलें जी, ये देखिए रेडी है, हमारे तैयार है मकरोनी, बड़े मज़े के और बड़े टेजी और चीज़ी। आप ज़रूर बनाना और फीडबैक देना, कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो रेसिपी। और इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब ये तैयार है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, तैयार है हमारे मकरोनी। और इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपसे गुजारिश है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।